हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। देखिए, ये दीपावली के दिन जो फूल बत्ती जलाया जाता है देसी घी में मंदिर में अपने जलाई या तुलसी माँ को जलाई कच्ची रुई से, देखिए उसको बनाया जाता है। तो हम लोग चलिए इसको आज बनाते हैं। तो पहले हम रुई को इस तरह से इसमें से ले लेंगे। देखिए ऐसे रुई को ऐसे ऐसे कर लेंगे, हाथ से थोड़ा सा रुई को ले लिए और इसके बाद से इसमें एक गोली बनाकर ऐसे से गोल यहाँ बीच में रख देते हैं। ऐसे पीछे से कड़ा होता है, ऐसे ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ते हुए यहाँ पतला करते जाएंगे। ऐसे ऐसे खींच खींच के पतला करेंगे दोनों साइड में ऐसे पतला। अब ज़रा सा पानी लगा लेंगे, पानी लगाने से ये पतला हो जाएगा। अब दोनों साइड में ऐसे पतला करते हुए और फिर इस दोनों को सिरे को इस तरह से ऐसे पकड़कर मिला देंगे। ये देखिए फूल बत्ती मेरा बन गया। जितना ही हम इसको ऐठेंगे उतना ही ये कड़ा हो जाएगा, तो ऐसे फूल बत्ती खड़ी रहेगी जलते समय। तो देखिए इस तरह से बना रहे हैं। देखिए इस तरह से रुई को ले लिए, ऐसे इस तरह से रुई को मेरे कर लिए, बराबर कर लिए और फिर इसे एक गोली बनाकर बीच में रख देंगे इस तरह से। अब दोनों सिरे में से थोड़ा थोड़ा खींच खींच निकाल लेंगे इस तरह से। ऐसे ऐठते हुए दोनों हाथ से ऐसे इसको हम ऐठ देंगे, ऐसे ऐठ देंगे और फिर दोनों को ऐसे मिलाते हुए ऐसे पूरा ऐठ देंगे। थोड़ा कड़ा करेंगे, इसे कड़ा करेंगे फूल बत्ती इस तरह से ऐसे खड़ी होकर जलेगी। इस तरह से हम फूल बत्ती बनाएंगे। देखिए फूल बत्ती सब बन गई और ये देखिए कितना बढ़िया कड़ा कड़ा बना हुआ है। अब इसको हम घी में डाल देंगे। घी को देखिए हम गर्म कर लिए हैं जिससे कि ये पिघल गया है। अब इसमें बत्ती को पहले से हम डालकर भिगो देंगे। जितनी बत्ती की ज़रूरत है उतना ही हम भिगो देंगे। अब भिगो के एक डिब्बे में इसको हम रख देंगे। ये खूब भीन जाएगा इसमें घी और बत्ती। तब उसके बाद से आप धनतेरस में जलाइए, दीपावली में भगवान लोगों को जलाइए, मंदिर में अपने जलाइए, कहीं भी इसको जलाइए। और ये मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।